अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और नमाज पढ़ने के बाद मैं आके दोबारा सो गया था, क्योंकि रात को हम लोग काफ़ी लेट सोए हैं। तो उसके बाद फिर अब सुबह उठ के तो चाय बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली, और चाय जब शुरू की है तो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गई है, और इसमें जो है बस उबाले का इंतज़ार है। साथ साथ नाश्ते की तैयारी है, तरीबा ने सवैयाँ पहले ही बना ली थी, तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, बाकी इसके साथ और क्या खाना है आपको सवैयों की शक्ल दिखा दूँ एक बार। ये सवैयाँ तकरीबन रात को बनाई है और चाय भी तकरीबन डन है। तो इसके साथ अब जो है वो खाने में क्या है, नाश्ता जो मैं तो सीरियल ही लूँगा, थोड़ी सी सवैयाँ उसके साथ। तो चले इसके लिए तैयारी करते हैं, और फिर जब तैयबा भी उठती है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम है आपका तैमीज़ वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग तो हसन ने स्टार्ट कर ही दिया होगा, है ना हसन? बिल्कुल, चाय जब बनाई है तो उसके साथ ही व्लॉग भी शुरू होगा। जी जी, चाय की बड़ी टेंशन है हसन को। आपको जैसे कि मैंने लास्ट चांद रात के व्लॉग में बताया था कि हसन आते ही सो गए थे, और मैंने कपड़े प्रेस कर रहे थे, आयरन किए, सवैयाँ बनाई और बच्चों को मेहंदी लगाई। तो फजर होगी, फजर पढ़ के मैं सोई ऑलमोस्ट 6 o'clock। तो फिर बहुत ज़्यादा जो है थकावट भी हो रही थी, तो इसलिए उठा ही नहीं गया। और वैसे भी आज हम इसलिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं क्योंकि यहाँ पे है बहुत बहुत गर्मी, तो हम लोगों का आउटडोर प्लान कोई नहीं है। आज फैमिली डिनर है और वो भी रेस्टोरेंट में है, मेरे पेरेंट्स ने किया हुआ है, तो हम सब ने इकट्ठे होके वहाँ पे जाना है। तो इसलिए भी ज़रा हम लोग रिलैक्स है कि जी बाहर तो जाना नहीं है, तो बस डिनर पे जाना है। तो बस फिर लेट उठें, ब्रेकफास्ट करें और बस तैयारी करें। तो अभी मैं बस हाफ वे जो है वो तैयारी पे ही हूँ, क्योंकि बाल मेरे अभी बैठे हैं, आई मेकअप मेरा हो चुका है, बाकी बस कंप्लीट लुक दिखाएंगे आपको पूरी तैयार होने के बाद। और हसन की आप दाढ़ी देख रहे होंगे कि क्यों है हसन की दाढ़ी, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग कुर्बानी जो है पाकिस्तान में करते हैं, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कल ईद होगी, तो जब कुर्बानी होगी तो ये ईद के सेकेंड डे जो है ना अपने आप को संवारेंगे, है ना हसन? बिल्कुल। तो ये हुरम का काम देख ले, मामा मेकअप करी थी तो हुरम लिपस्टिक लगा के आ गई है, तो जगह जगह लगा भी दी है इन्होंने। तो चले जी, इंशाल्लाह आज अभी तैयार होते हैं तो फिर आपको आज का अपना दिन दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज को इतना मतलब वो क्या कहते हैं ना, बिग गैदरिंग नहीं, क्यों? क्योंकि आज वर्किंग डे है यहाँ पर, तो हमारी जो बिग गैदरिंग जिसे कहते हैं ना वेलकम, ईद वेलकम पार्टी, वो है फ्राइडे को। तो इंशाल्लाह आज भी आपको दिखाएंगे, आपको फ्राइडे को व्लॉग दिखाएंगे। चले जी, फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं, तो हमने कहा चले जाते हुए आपको अपनी लुक दिखाएं। पहले जो देखे हसन की लुक, अपने बाजू तो हटाओ, तुम्हारी पिक्चर थोड़ी ले रहे हैं। आइए मेरी प्यारी बेटी हुरम की, हुरम बैक करो, ये मेरी हुरम की बैग है, इसका दुपट्टा बैग में है। और हुरम की स्टोरी है कि हुरम ने अपना बैग इसके साथ जो वो क्या है पाउच था वो कहीं रख के भूल गई हुरम, कहाँ रखा है? हुरम बड़ी परेशान है, और जो हुरम ने कल ड्रेस पहना है उसका हुरम ने पाउच पकड़ लिया। तो ये हुरम का ड्रेस है सनास क्लोजेट का, इनका ड्रेस है सफायर का, और मेरा ड्रेस है मारिया बी का। तो और अगर आपको हम जो हमारी वीडियो बना रही है हानिया उसकी शक्ल दिखाएं तो आपको लगे कितनी मजबूरी में वो वीडियो बना रही है हमारी। तो हानिया आया, हानिया का भी आपको ड्रेस दिखाती हूँ मैं। हानिया ने भी सना ऐसे तो बट्टा थोड़ी लेते हैं, ये हानिया का भी सना ने बनाया है। हानिया का, हानिया घूम के दिखाओ अपने ड्रेस। हानिया और हुरम का गरारा है, ये हानिया का दुपट्टा है, और ये हमारी क्यूट सी प्यारी सी हुरम, आओ ना, क्यूट सी प्यारी सी फैमिली है। अगर आपको हमारा ड्रेस अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देख लीजिए हुरम का बत्ता भी, हुरम भी अपना बत्ता ले आई है फाइनली। ओए मेरा बेटा माशाल्लाह। चले पहुंच गए हैं हम लोग, मैंने कहा आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं, के हमारी तरह और भी लोग जो है वो ईद मना रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पर बारबेक्यू टुनाइट में। कुर्बानी करके इतना थके होते हैं ना, किसी का दिल नहीं करता कि घर में खाना बनाए, कम से कम मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं ईद में दिन काम करूं। तो ऐसे भी नहीं करता, मुझे पता था कि तुम्हारे मुंह से यही निकलना है।
जी जी ये देखें उरम माशाल्लाह कितनी क्यूट डॉल लग रही है। उरम आप तो बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही है मामा को। देखिए यहाँ भी बलून सेल करने वाले आ गए हैं। यहाँ पे है बुफे, तो मैंने कहा चले मैं आपको बुफे दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैंने कहा तुम सबकी दाढ़ियाँ भरी हुई है, आपको साफ रखने। हाँ इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी इंशाल्लाह। हलवा है, चने हैं, आलू है, ये क्या है? निहारी है, नहीं हलीम है, निहारी, अच्छा सब कुछ रखा हुआ है। पाए, कीमा, बटर चिकन, ये क्या है? थैंक यू। टिक्का एंड कबाब, और ये क्या है? कुन्ना एंड बिरयानी। लाइक सारा देसी माहौल रखा, लाइक बतला इस टाइप। ब्रेन मिस है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से आता था, पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बल्कि कहीं मिलता तो हमें बताएं। हम लोग तो ये सोचते थे यार आज यहाँ ब्रेन मिलेगा हमें। चले जी हम एंजॉय करते हैं, फिर आपका रिव्यू भी दूंगी कि कैसा है आपका खाना। खाना बहुत मजे का था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है ना सर। और पाए जो है बिल्कुल हॉली पाए थे कि दिल खुश हो गया पाए खाकर। निहारी भी अच्छी थी, और क्या अच्छा था, कुर्ता भी अच्छा था, बट सबसे ज़्यादा जो है वो हम लोग को पाए का बहुत मजा जी। ये डिफरेंट जूसेज हैं और वहाँ पे चाय है, अपन नीचे मैंने दिखा दिया था। हानिया का हाल, खाना छोड़ के हानिया गोलगप्पे, इसने गोलगप्पे स्टार्ट कर दिए। हानिया गोलगप्पे तो आप घर भी खा बेटा, ये घर में डेली खाते हैं हम। यहाँ बुफे करने आए, आप गोलगप्पे खा के बुफे के पैसे पूरे कर रही हो। क्या डिजर्ट में क्या है? सिर्फ गाजर का हलवा। और ये क्या है? शीर, इसको मतलब शीरखुरमा ही बोलते हैं ना, शीरखुरमा। हाँ शीरखुरमा। चलो दिखाओ अपना ड्रेस। मदिया, मदिया तुमने किसका ड्रेस पहना हुआ है? मैंने आसिफ के पापा का पहना हुआ है। सही होके दिखाओ ना पीछे पूरा के पतला के ड्रेस। हाँ मुझे करके दिखाओगी ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। सही बात है, शुरू हो गई है। हाँ ना पूछा इसने ना सलाम आ रही है। पहले मैंने सारा मेन्यू दिखाया, इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद फिर मैं शुरू हुई। हाँ उरम बेटा कितने नगेट्स हाउ मेनी? 2 or 3? 2 विथ केचप, ओके 3 इज इनफ। ओके हसन क्या तुम मेरी प्लेट को नजर लगा रही हो? उरम की प्लेट है ये, मेरी बेटी खा रही है। ये उरम कभी यही खाएगी? मैं खाना ये किसके प्लेट भर रही हो? हानिया की। हसन मैं माओ का काम होता है बच्चों की प्लेट भरना, तुम्हारी तरह नहीं। अभी खाऊंगी तुम भी खाते हुए। तुम्हारी प्लेट पे नजर रखते हैं तो खाने आए हैं, और क्या करने आई हो? सोने आई हो? अम्मी कह रही है पाए बहुत मजे के। आपने ले लिए? आपने पकड़ने नहीं, लेके जाओ प्लेट पे। चलो हसन की प्लेट देख लें। हलवा पूरी जो मुझे पहले भी पता है आपको के पसंद है। बहुत मजे के हैं, बहुत मजे के हैं। पूर का भी देख लें जी, नगेट। और सबसे ज्यादा जो है वो इनकी प्लेट भरी हुई है, है? अब आप खाओगे कि नहीं? जाया नहीं करना कुछ भी, जाया करने से तो आप गुनाह मिलते हैं। मुझे नहीं कुछ कहना बाबा, मैं आपने क्या करना? क्या उरम क्या खा रही हो आप? पूरी खानी है जी, पूरी खानी। ये देखिए लाइव नान लग रहे हैं। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमारा यहाँ का तंदूर कैसा होता है। इसका नान निकालते हुए देखिए इसका तरीका। जी जी आपने भी लेने हैं आपने? जबरदस्त रोटियाँ लगा रहा है। सही वो जो निहारी के साथ होती है ना। ये तो वो टर्किश वाला नहीं, तो जो आइसक्रीम मैं क्या क्या मैं टीच करोगे? कहो मैं इसको, मुझे टीच करेंगे आप नान, है ना? माशाल्लाह मदिया मेरा मुझे कपड़े दिखा रही है, देखो मेरी बेटी के कपड़े। अच्छा इसको पता होता है इसकी वीडियो बना रही है मेरा।
चलो चल के तो आओ ना, ये आए पीछे ना गिर जाना बेटा, जाओ खाले के जाओ। वाह जी वाह। देखिए जब हम आए थे तो भरा हुआ था और आप देखें कैसे एकदम से खाली हुआ है, क्योंकि हमें आए हुए यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो गए हैं, तो डिनर टाइम तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। फोटोशूट हो रहा है ये हसन का, हसन का नहीं बच्चों का। आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं बोला आज, और ईद मुबारक दोनों बोलो बच्चे, इधर आके बोलो दोनों ने। ठीक है हसन का हाल, हसन कहाँ जा रहे हो? ये तो शुक्र है बंद हो गया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। खुला हुआ है, चलो चलें चलो 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 चलो। गुड 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 रमानिया। ये देखिए ये सारी यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी हुई है बच्चों की अट्रैक्शन के लिए, जो इनको ईद इकट्ठी हुई है इन्होंने सारी यहाँ पे जो है ना खर्च कर जाने दी है ना हसन। तो ये देखें ये जो हानिया का फेस देखें दुकान बंद होने के बाद, बिल्कुल ठीक है कुछ नहीं हुआ उसको। और हानिया की पोटली में, हानिया पोटली में स्नेक है कि बन मनी है? तुम्हारे लिए स्नेक और मेरे लिए मनी है ना। आपने अभी ईदी भी दे लिया। और देखिए हानिया ने अपने इतने प्यारे मैंने हेयर स्टाइल में उसे बाल खोल दिए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये हाल है बच्चों का यहाँ पर। और वो देखिए भाग के बंद करने आई है कि हसन अंदर ना आ जाए इससे पहले डाका ना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम, हाशिर ने करना था और हाशिर मुझे कह रहा था कि खाला प्लीज वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें, मैंने बात करनी है। वाह हाशिर की वॉच बहुत प्यारी है, देख लें जी हाशिर की वॉच। और जिस जिसको हाशिर की वॉच चाहिए पसंद आए तो बताइए किस किस को हाशिर की वॉच चाहिए। हाशिर सबको, हाशिर सबको ऐसी वॉच गिफ्ट करेगा, राइट जी। वो मैं भी लेकर आना। और आज हमारे बच्चे बदल गए हैं, मेरे ब्लू वाले टूटा। ओके ओके वो चलता नहीं है। ओके अच्छा हाशिर हमारी गाड़ी में आ गया है। और हुरम कहाँ गई है? मेरी गाड़ी। हुरम हमारी जो है वो खाला मामा के साथ चले गई है। तो बच्चे हो गए हैं स्विच, राइट हाशिर खाला मेरे पास, खाला मामा के पास आ गया और हुरम अपनी खाला के पास चली गई है ना हाशिर जी। तो अब हम लोग सब जा रहे हैं चाय पियेंगे, हाशिर के होम चाय पियेंगे। कहाँ पियेंगे? हाशिर के होम जी, हाशिर के होम। तो हसन डलवा रहे हैं गैस, एज यूजुअल सभी गैस जो है गाड़ी में हमेशा खत्म होती है। रखती है गाड़ी बगैर गैस के पानी से चलती है, हमें तो भाई बहुत गैस की जरूरत होती है। नहीं जी इससे मेरी गाड़ी में ही बैठी, क्योंकि यहाँ पे फासले ज्यादा हैं। हम लोगों को हर रोज जो है वो अभी जैसे हम लोग जिस रेस्टोरेंट में आए थे हमारे घर से तकरीबन 33 miles दैट मींस के ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर है ये। तो आप लाहौर से गुजरांवाला जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको फासले जब वैसे तय करने पड़ते हैं तो पेट्रोल की भी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन तैयबा पानी से चला लेती है कार। फासले वाजिबा, फासले लंबे लंबे फासले। बड़ी उर्दू मार रहे है ना सर? उर्दू तो मैंने कब कहा तुम उर्दू स्पीकिंग नहीं हो? हम हैं ही उर्दू। नहीं जी तुम पंजाबी स्पीकिंग हो। हम हैं ही उर्दू। अच्छा हम पंजाबी भी, असली पंजाबी भी बोलने आते, उर्दू भी बोलने हैं। नहीं मैं भी बहुत अच्छी पंजाबी बोलती हूँ। मसलन क्या? चल मेरे नाल गाली कर भी पंजाबी। अच्छा जी चले जी हम बात करके खाते। ये देखिए जी हम पहुँच गए घर और हमें हुरम लेने आई है ना। हुरम ने डोर ओपन किया है। हुरम आपका ये कैसे नीचे टसल गिर गया बेटा? चलो अंदर मैं आपको ठीक करूं। चलो 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 चले जी हम आ गए हैं मदिया की तरफ। चलें जी अंदर चलें चलें चलें। कहाँ गए? हाँ ये देखिए जी आ गए हम घर। ये पाकिस्तान में अब अपनी फैमिली के साथ लगी हुई है। ये देखे इनको जवानी गाली ली है और आज भी दिया उन्हें, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। ये देखे मैंने कहा मैचिंग हो रही है तो पहनना चाहिए। मैंने कहा दिखाएं हम भी पाकिस्तान वालों को, हम भी किसी से कम नहीं है ना। ये क्या क्या तुम्हें भी गुंजाइश है खाने के लिए? केक खाया मैं, प्लम खा रही हूँ। ये
तुम आज का वीडियो शुरू कर देते हो। अब ये तैयबा जो है वो सब खा के अब विंडो क्लोज करने से पहले आलू बुखारे खा। पाकिस्तानी आलू बुखारे नजर जहाँ है वहाँ कौन नहीं खाता? पाकिस्तानी हाँ टेस्ट कैसा? नहीं मैं नहीं खाता। हाँ मेरा मूवी आलू बुखारे जैसा। अभी कुछ तो वीडियो हाशिर भी आ गया। अभी तो नहीं है। मैंने क्या हो गया? जी हाशिर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो नहीं है। वेलकम है आपका तमीज वर्ल्ड में। ईद मुबारक। हाशिर कह रहे ईद मुबारक। आपने कहना ईद मुबारक। अभी और हमारे गेस्ट आ गए थे तो अभी निकले हैं। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो घर जाके आपको अल्लाह। ये देखो चाय बन रही है। ये होता है फैंसी कपड़े पहन के चाय बनाना। चले जी हम लोग चाय पी ले। मेरा फोन ही गिरने लगा था। तो मैं कहाँ रखी मेरी चाय? वो ठीक है चाय। ये तुम ये देखे जी बुफे खाने के बाद ऐसे पेटू लोग क्रेप खा रहे। मैं नहीं खा रही हूँ, मैं बना रही हूँ। मैंने तो नहीं खाना। भैया अगर तुमने खाना पे तो बोलो मैंने खाना है। इतना मतलब अल्लाह माफ करे सलमान का बना। इतना भरा हम लोगों ने अभी बुफे खाया जो कि मैंने आपको दिखाया था। इसके बावजूद यहाँ पे क्रेप की क्रेविंग हो रही है। और ये जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था ये क्रेप मास्टर है। इसका हस्बैंड हलीम वाला है। ये उसकी बीवी है हलीम वाला है। सुन रहे हो? ये तुमने कौन सा केक डाल दिया इसके अंदर? ये वनीला बस फोर। ये बड़ी सारा का केक है। उधार चीजें मांगी है। नहीं बताओ ये सिर्फ भाई की फरमाइश पे मैंने उधार मांगी है चीजें। उनके घर में ये बच्चे खाते होंगे ना तभी पड़ा होगा। वो भी आज ही लाए थे। तुम लोगों ने नजर रखी हुई थी? नहीं वो बुरान सुबह गए थे ना। मैं नहीं गई थी। नजर रख के आया था ना बुरान? अभी गए थे। अच्छा तो बुरान नजर रख के लाया होगा ना। कहते हैं ना खाने खाने पे नहीं दाने खाने वाले का नाम होता है। उससे पहले पूछ लो क्रिस्पी बनाने के। वो बस ऐसे ही खाता है जैसे नॉर्मल बनता है। चलो जी क्रेप बनाओ और फिर सर्व करो। कोई फ्रूट कुछ नहीं डाल रहा? फ्रूट है ही नहीं। वैसे भी फ्रूट नहीं लेता हूँ। वीडियो बना रही सच ना बोलो। नहीं तो कभी फ्रूट नहीं भी होता। रियलिटी है। नहीं नहीं जो बोलती फ्रूट नहीं है। मुझे इतने मोटे मोटे प्लम पड़े हैं मैं ही तो खाऊंगी। अभी पता मांडी ने खा लिए हैं। ओके जी तो घर वापस आ गए हैं। लूर लूर फिर के क्या ईद थी? तो ईद पे तो फिरना बनता है ना हमारा। मैं तो मतलब मेरा तो हम इशा हर ईद पे जो है ना मेरा बचपन जो है ना वो जाग जाता है। शॉपिंग इनका बचपन वैसा भी हर रोज ही जागता होता है। तो अच्छी बात है ना। आप क्या दिखा रहे हैं? हुरम ने आपको मेहंदी मैंने हुरम को लगाई तो हुरम ने बोला कि जी मामा मुझे हसन भी साथ लिखे तो मैंने लिख दिया। तो बाकी तुम क्या बात करते मेरी बच्चे वाली कि बचपन इनका जागते रहते तो, हर रोज जागा होता है। तो देखे बचपन अपने अंदर नहीं बचपन को अपने अंदर जगा के रखने का मतलब ये है कि आपने 100 बीमारी बल्कि 100 नहीं 200 बीमारियों से दूर रहते हैं। ठीक है स्माइल दे और स्माइल ले मेरा तो असूल ही यही है। तो अगर आप बचपन में नहीं रहेंगे तो फिर 100 बीमारियां 100 टेंशनें 100 प्रॉब्लम्स सही कह रही ना है ना। सबसे जैसे बड़ी टेंशन ये है आए मेरी बीवी कुछ नहीं करती बेचारे बड़े वो मुश्किल में है ना कि हम तो बेचारे चाय भी खुद बनाते हैं कावा भी खुद बनाते हैं फिर बेगम को भी देते हैं और खुद भी पीते हैं। क्या क्या सबूत है कि तुमने बनाया? अब नेक्स्ट टाइम वीडियो पहले रिक स्टार्ट करेंगे। हाँ यही बताना चाह रही थी कि हसन जो चीज बनाए वो अगर वीडियो में ना आए कैसे हो सकता है। तो इसलिए फिर इसका प्रूफ यही है कि बेगम ने बना के रखा। और पता नहीं क्यों मैं सब कुछ कर लूंगी मेकअप भी कर लूंगी ड्रेसेस भी पहन लूंगी जूते भी पहन लूंगी हर चीज कर लूंगी रिलेटेड मतलब जो ब्यूटी होती है बस मुझसे बाल नहीं बनते। बालों के मामले में मैं इतनी निकम्मी हूँ ना हर बार जो है ना मेरे से ना एंड टाइम में ना बालों का जो है ना वो रफड़ पड़ जाता है। तो लेकिन आज मैं इतने प्यारे ब्लो ड्राई करके अपने डाइसन के साथ वो कर्ल्स ही नहीं रहे वो झाड़ियाँ बन गई क्योंकि बाहर इतना गंदा टेम्परेचर था। अब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी है ना। सारे बालों के जो कर्ल्स मैंने आज डाले थे ना इतनी मेहनत से वो सब निकल के तबाह बर्बाद हो गए। और मेरे जो
बाल लंबे ना करने की दो रीजन है। एक बिग रीजन ये है, मेरा ख्याल में पहला ही मर्द होगा जिसको लंबे बाल ही पसंद है ना। बताओ तुम क्या कहते हो मुझे? मैं यही कहता हूँ कि बाल जो है वो कहते हैं जो सूट करें आपके फेस को वही रखना चाहिए। इनका बस है ना, मुझे इतने इतने बाल करवा दिए। मैंने लिटरली जब मैं बहुत स्किनी थी, मतलब जब स्किनी तो कभी भी नहीं थी, मैं स्लिम एंड स्मार्ट थी, तो हसन ने मेरे यहाँ यहाँ तक बाल जो है ना वो बनवाए हैं। तो अभी भी हसन यही कहते हैं कि मैं जी अपने बालों को कलर्ड करूँ और इतने इतने बाल करूँ, लेकिन मैं कहती हूँ हसन नहीं, मुँह इतना बड़ा हो गया, जब ये जरा मुँह छोटा होगा ना तो फिर मैं जो है ना इतने इतने बाल रखूंगी। तो क्या कहती हैं, बस आजकल जरा मैं लेजी हुई हूँ, बल्कि हम दोनों ही लेजी हुए हुए हैं। हम लोग वरना डाइटिंग करके काफ़ी अपना वेट रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन अब डाइटिंग शायद हो नहीं पाती क्योंकि दांतें और फिर जुबान का चस्का कहता है ना, जब मेरी हो जाती है इसकी नहीं होती। तो मैं तो खाया पिया लगता ही नहीं है, मैं तो उनको हर बार दिखाती हूँ तुम्हारी प्लेट। इतना बुफे, माशाल्लाह आज बुफे इतना कुछ जबरदस्त था कि मेरा नहीं ख्याल कोई भी डिश मिस हो उसके आज खाने का बहुत मजा। उसके बावजूद हसन ने घर आकर, हसन ने और सलमान ने बिग वाला फुली लोडेड क्रेप खाया है ना। अब मैंने तो नहीं खाया ना क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी खाने की। मीठा वहाँ पे नहीं खाया, मीठा हम लोगों ने घर जाके फिर जो है वो मदीहा ने जो है और बुरहान ने हम लोगों को होस्ट किया क्रेप, क्योंकि मैंने मुझे प्लम्प एक्चुअली जो पाकिस्तानी आलू बुखारा होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो कहीं मेरी सिस्टर लेके आई, घर पड़े हुए थे तो मैंने खाना शुरू कर दिया और इन्होंने वहीं पे वीडियो खोल के दिखाना शुरू कर दिया कि ये कितना खाती है ना। हालांकि ना खाने वाला बंदा मोटा होता है, खाने वाला बंदा कभी मोटा नहीं होता क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट चलता है जी। जो लोग ये कहते हैं ना, नो 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 नो, मैं उल्टा, ये उल्टा होता है, गलत होता है, लेकिन चले जी खाने रजे पजे रजे रजे पजे लोग तो खाने पीने लोग तो डरने की क्या बात है। जो आज के लिए फिर इजाजत लेते हैं, होप करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, जैसे कि हमने खाने का बहुत एंजॉय किया और हुरम ने अपने गरारे की निस्त मार दी है और हुरम ने अपने गरारे का जो पाउच है वो भी कहीं घुमा दिया है ना। बताओ उन्हें कि मुझे नहीं मिला, मेरी बेटी को नहीं मिला। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हुरम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड एंड अल्लाह अल्लाह हाफिज़।